सोशल मीडिया क्वीन सुंबल खान मेरे साथ मौजूद हैं, हर जगह पर ये वीडियोस पोस्ट करती हैं और बड़ी मजबूत। ये कौन सी वीडियोस पोस्ट करती हूं मैं? किड़े बेवकूफ लोग ने जिन्होंने 57 लाख बंदे ने तानू फॉलो किया। प्यार करने वाले हैं, चाहने वाले हैं हमारे। वो तो मैं भी करता हूँ, वो तो मतलब इसलिए तो मेरे व्यूज नहीं आ रहे, मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने फॉलो किया हुआ। शादी हुई है? नहीं। कसम ले कसम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। सोशल मीडिया क्वीन फिल्म टीवी स्टेज की मारूफ अदाकारा छड़नू प्लीज कुछ छोड़ दो। एक्सक्यूज मी, छड़नू की मतलब मोबाइल है मेरा, करो अभी संभल। एक छोड़ना मतलब छोड़ेंगे तो अगर काम शुरू करेंगे ना तो तुम बोलो अभी। नहीं ना, जब मेरी बारी आएगी मैं रख दूंगी मोबाइल। भुलेखा पै जाना ना, मतलब एक मिनट छड़ना भी कॉन्शियस नहीं होना चाहिए कि भुलेखा पै जाता है। मैं दोबारा इंट्रो करने लगा, भुलेखा पै जाना एक मिनट। ए मोबाइल ही सारा कुछ है आजकल, तेन पता है। अच्छा तेरी फैन फॉलोइंग जेडे व्यूअरशिप तू ले रहे है ना, ए मोबाइल दी वजह तू ही ले रहे है। अच्छा रखता है, कर शुरू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान। तू तीर मारने मार ले, पहले रखता है बीच ना ना बोल। अच्छा चल ठीक है, नहीं बोल दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी। शुरू से बोल रहा हूं, अभी रिकॉर्ड तो नहीं हुआ ना। प्यार करती हो मोबाइल से? ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕਸਮ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ, ਵਾਲ ਵਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਕਰ ਲ ਕੁੱਲ ਲੈ ਬੀਚ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕਿਹਦੇ ਤੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। फिल्म टीवी स्टेज की मारूफ अदाकारा और सोशल मीडिया क्वीन सुंबल खान मेरे साथ मौजूद हैं। सुंबल खान ये भी नहीं कर सकती मैं। कर 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 रज के कर, जो मर्जी कर। आपका मेरा इंटरव्यू तू कर ला। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सुंबल खान और मेरे साथ हूँ सुंबल खान। हाँ, तो क्या यार सुंबल मैं की कहूँ मतलब। वेट प्लीज यार, सबर कर ला कुछ। नहीं नहीं इतना ओखा क्यों हो रहे हो तुम मतलब? सुंबल मतलब पता। काम डाउन रिलैक्स, इसी होके बात करो मुझसे। मुझे ये हाइपर मुझे पसंद नहीं है। ऐसे हाइपर नहीं ना पसंद। एक तो तुम इंटरव्यू लेने आए हो, ऊपर से तुम हाइपर होके दिखा रहे हो। व्हाई पूरा 300 देता है इंटरव्यू का? 300? हां जी। वेट हां हूं बोली ना विच $300 गाइस केड़ा बंदा ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। फिल्म टीवी स्टेज की मारूफ अदाकारा और सोशल मीडिया क्वीन सुंबल खान मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि अपने फॉलोअर्स के लिए बड़ी मज़ेदार किस्म की वीडियो बनाती हैं सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर कोई और अदर एप्लीकेशन, हर जगह पर ये बंदी वड़ी हुई है। और जैसे प्रोग्राम नहीं बड़ा हुआ, व्हाट इज वड़ी मतलब हर जगह नहीं इंटरव्यू लेने की तुम्हें हर जगह पर मतलब रीजनेबल वर्ड्स बोलो, वड़ी क्या होता है? हर जगह पर ये इंटरव्यू ही हुई है। हाँ ये देखो ना, ठीक है ना, लाइक दिस। हाँ लाइक दिस, लव यू टू। हर जगह पर लाइक दिस मतलब ऐसे। अच्छा हर जगह पर ये इंट्रो हुई है और हर जगह पर ये वीडियोस पोस्ट करती हैं और बड़ी मज़ ये कौन सी वीडियोस पोस्ट करती हूँ मैं? ये कौन सी वीडियोस होती सिंपल कर लेन देना यार। किन्ने इनु एंकर बनाया है? किन्ने बनाया है इनु? ये केड़ी वीडियोस होती हैं पहला? शायद नज़ीर चौधरी साहब ने, उन्होंने बनाया। मैंने मिल लेन दियो जरा, मैं इंग्लिश में वीवर्स होता है। अच्छा वीवर्स होता है? यस। कितना पढ़ी लिखी है? मैंने डबल एमए किया है। तो पहला खराब हो गया सी? हाँ उसमें चाय गिर गई थी। चाय गिर गई थी? मोटी पीवी है मेरे से ज्यादा, तो आप हंस रही है। तुम्हारा मुंह देख के हंसी आ रही, मैं क्या करूं, तुम्हारा मुंह ही हास्य निकाल रहा है मेरे। मेरा मुंह लग रहा है ना मतलब पूरा मतलब हीरो टाइप लग रहा है, दिल आ गया ना मेरे पे। नहीं दिल आता तो हंस ना रही होती, मुस्कुरा रही होती। मुस्कुराना ही होता। ये कौन सा मुस्कुराना था? तुम दांत निकल रहे मेरे। तुम बोल सोशल मीडिया पर 6.7 मिलियन 5.7 मिलियन टिकटॉक पे आपके फॉलोअर्स हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह।
ब्लू टिक वेरीफाइड अकाउंट? यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स है ना। यस यस। केड़े बेवकूफ लोग ने जिन्होंने 57 लाख बंदे ने तुहानू फॉलो किया? प्यार करने वाले हैं, चाहने वाले हैं हमारे। वो तो मैं भी करता हूँ, वो तो मतलब तुमने तो मुझे फॉलो नहीं किया। तुम बेवकूफ हो जो फॉलो नहीं करते। मैंने किया हुआ फॉलो। अच्छा हाँ। मुझे पता नहीं, देख लो कैसे करते। मेरी आईडी बैन होगी, इसलिए तो मेरे व्यूज नहीं आ रहे। मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने फॉलो किया हुआ। आपको मतलब किसने इस साइड पर लगा दिया? टिकटॉक पर भी अच्छे खासे फॉलोवर हैं, अगर यूट्यूब की बात की जाए तो वो भी तकरीबन 1 लाख पर पहुंचने वाला है। इंस्टाग्राम की बात की जाए तो 1,02,000 के करीब समथिंग वो भी हैं। अगर फेसबुक की बात की जाए तो वो भी तकरीबन 1 पेज पर 2 लाख से कुछ अबव हैं और 1 पेज से 1.5 लाख से कुछ अबव हैं। जी, तो सारा कौन मैनेज करता? ये खुद मैं करती हूँ, खुद बजाते खुद। मैंने किसी को अपना मोबाइल कभी नहीं दिया कि आप मेरी ये पोस्ट लगा दो या ऐसा कुछ कर दो। और लेकिन एक चीज़ मैं आपके इंटरव्यू के ज़रिए मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि फेक लोगों से बचें आप, जिन्होंने हमारे नाम से फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं, उन लोगों से आप होशियार रहें। हम अक्सर लाइव में आके कहती रहती हूँ, मैं वीडियोज़ में भी मैं कहती रहती हूँ कि जिन लोगों ने हमारे फेक अकाउंट बनाए हुए हैं, लोगों को पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं, वट एवर, मतलब जो भी करते हैं, आप लोगों को मोहतात रहना चाहिए। ये तांबे की लाइन लाइने बीच में क्यों डलवाई हुई? ये तांबे की नहीं, ये गोल्ड की हैं। ये गोल्ड की लाइन्स, मैंने गोल्ड के लाइन्स डलवाई हुई हैं। 1 करोड़ की सारी लाइन्स आई हैं गोल्ड की। अल्लाह की कसम। नहीं, कसम तो ना चुका। मैं खुद परेशान हो गया, मतलब मेरे मुंह से मतलब करोड़ निकलन भी नहीं रहा थे। 1 करोड़ रुपए की लाइन डलवाई हुई, मतलब रेलवे दी लाइन ने 1 करोड़ रुपए दी। मतलब कि एफिशिएंसी मार रही थी तो आपने मारे नहीं दिन। अल्लाह की कसम ले। अच्छा ये बताओ संभल, बाकी क्वालिफिकेशन कितनी है? मैंने एफए किया हुआ है। एफए किया हुआ जी। तो एफए के बाद मतलब शोबिज इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन किया? वैसे ही शौक के तौर पे किया था। अच्छा। बाद में ज़रूरत बन गई, बाद में अब मतलब कि ज़रूरत भी पूरी होती है और साथ में शोबिस भी अच्छा लगता है करना। शौक पूरा होया कि नहीं? अलता हो गया, शौक पूरा हो गया, लेकिन अब करना पड़ रहा है। ज़रूरत नहीं आगे। हाँ जी, ऐसे ही है। मतलब यार वो पता क्या, शौक से आके जब प्रोटोकॉल देखा, जब सारा कुछ बना लिया, वो बनाने तो बाद छड़ नहीं सकते, उन वो छड़न के तो प्रोटोकॉल सारा कुछ जानता रहना। नहीं नहीं, छोड़ देंगे जब जरूरत होगी तब छोड़ भी देंगे। शादी हुई है? नहीं। कसम ले, कसम मेरी मंगनी हुई है कजन के साथ। कजन के साथ मंगनी हुई? हाँ जी। तो शादी कब करवा रही हो? जब शोबिस छोड़ दूंगी। छोड़ दूंगी। वैसे सुंबल की उम्र कितनी है? मेरी क्यों बताऊं? मैं सुंबल, आपकी सैलरी कितनी है? चलो मैं क्यों पूछूं? नहीं पूछो। नहीं नहीं, मैं नहीं पूछ रही, आप मुझे पूछोगे, मैं क्यों पूछूं? 650 दिहाड़ी लेता हूं मैं। 50 साल हो गए इनको सिर्फ शोबिज इंडस्ट्री में। अगो साहब ला लो कि कितना को माशाल्लाह इन दी उम्र दा तकाजा। तकाजा। अच्छा संभल ये बताइएगा कि ये सारा कुछ कैसे अफोर्ड करती हैं? मुल्तान से शुरू किया, मुल्तान से फिर मुख्तलिफ सिटीज़ में जाती हैं, सिटीज़ में जाकर परफॉर्म करती हैं, परफॉर्म करने के साथ साथ लड़के भी साथ जाते होंगे वहाँ, वो भी साथ परफॉर्म करते हैं, इनका सारा खर्चा मतलब कैसे अफोर्ड करवाती हो? मेरी बात सुने, जब हमारी कम ये होती है ना कि सिर्फ ये आर्टिस्ट का नहीं है, हर एक इंसान की जितनी इनकम होती है ना उसके खर्चे भी उतने होते हैं। अगर हमारी इनकम कम है तो हम उसी में मैनेज करेंगे, अगर हमारी ज़्यादा है तो हम उसमें मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। जब मैंने स्टार्ट लिया था, स्ट्रगल टाइम था, स्ट्रगल तो अभी भी है, मैं ये नहीं कहती कि अभी स्ट्रगल नहीं है। जब स्ट्रगल टाइम था तो तब खर्चे भी कम थे, ठीक है, जितनी हमें पेमेंट मिलती थी उसमें हमारा गुजारा हो जाता था। अब जिस तरह से पेमेंट बढ़ी उस तरह से खर्चे भी बढ़ गए और मतलब कि काम भी बढ़ गए, इसी तरह से मैनेज हो जाता है। अच्छा सुंबल, जब आपने शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो घर वाले तो काफ़ी नाराज़ हुए होंगे? जी बिल्कुल, घर वाले नाराज़ हुए थे, लेकिन उनको मना लिया था बाद में। कैसे मनाया था? मैंने कहा था अम्मी अब कोई बात नहीं, अब तो हो गया जो होना था, अब मुझे करने दे। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अल्लाह जी, नहीं मैंने कहा अब तो होना था जो हो गया, उन मिनों के करण दियो। अब तो मैंने कदम रख दिया। अब तो मैंने ईंट लगा ली है। हां तो मैं नहीं भी रख बैठी हूं, उन मिनों बिल्डिंग बनानी थी। हां जी ऐसा ही है। सुंबल कितना कुछ कमाया है शोबिज इंडस्ट्री से? मतलब जितना हमने कमाया है ना उतना ही लगा दिए, बचाया की है बस, जो बच गया वो तो बच गया, जो लग गया वो लग गया। गाड़ी कौन सी रखी है? गाड़ी एमजी। जी हुन केड़ी एमजी दे विच भी किन्ने मॉडल ने? एमजी का मॉडल मतलब ये 2023 वाली, 2023 दे विच इन्होंने लई है शराड। शराड नहीं, एमजी। एमजी की शराड है वो 2023 में ली है इन्होंने। एसयूवी। हां जी। अच्छा लाहौर में परफॉर्म कर रही है? लाहौर घर बना लिया लाहौर में भी?
बना रही हूँ। नेक्स्ट मिशन यही है। बीगो पर और सोशल मीडिया के दिगर प्लेटफॉर्म्स पर जैसे टिकटॉक है, लाइव लाइव बैठ के भी पैसे कमाए जाते हैं, आपने कितने कमाए? जब मैं बीगो पे बैठती थी लॉकडाउन में, तक मैंने तकरीबन 31 लाख कमाया था लॉकडाउन में। उसके बाद मैंने बीगो यूज़ ही नहीं किया। तो टिकटॉक पे कितने किए हैं अभी तक? टिकटॉक पे सिर्फ 10 लाख किया, क्योंकि उस पर मैंने अल्लाह की कसम जो सिर्फ ला दी है ना, मतलब उसको इतना टाइम ही नहीं दिया प्रॉपर मैंने। हम कमाने के लिए निकलते हैं दिन रात, यकीन कर मेरे अखा के हल्के तुम दस रहे होंगे कि मतलब हम कमाने के लिए निकलते लग लो जाती सिर्फ 10 लाख बस 10-1 लाख, मतलब चेक करो बोलने का तरीका चेक करो। खैर सुंबल बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपका भी शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। खैर अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट अलानी के बाद।